ओके जी, फाइनली टाइम आ गया है छोटे हनीमून पे निकलने का। छोटा कह सकते हैं क्योंकि प्रॉपर वी विल डू आफ्टर वी डू द इंडियन थिंग। नो, दिस इज गोना बी नाइस टू, दिस इज स्टिल गोना बी नाइस। यस, नई कंट्री, ट्रैवल व्लॉग बहुत टाइम से शूट नहीं किया। ओके मिस्टर निकी, अपना ध्यान रखना। और आप और गियूम हो हमारे पास है ना, जरा थोड़ी है होली ऐश करनी है, पता लगे अपना पीछे जो है नजारे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना जरा घर का भी और अपना भी और गियूम का भी। ठीक है, ओके ओके, लेट्स गो, लेट्स गो एवरीबॉडी। मिस्टर गिगी, आर यू रेडी? निखिल का ऑफिस चल रहा है तो इसलिए गियूम जा रहा है छोड़ने के लिए। ओके, वी फर्स्ट नीड टू गो स्ट्रेट टू माय ब्रदर्स हाउस बिकॉज़ आई नीड टू टेक मम्मीज ब्लेसिंग एंड माय लैपटॉप अप। ओके, मम्मी तो सो रही है मगर उठाना पड़ेगा, मगर बिना मिले भी चले गए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ओ, खबर तो नीचे ये गर्म है कि मम्मी सो रही है, यहाँ टीवी चल रहे हैं मम्मी के। ओ, मम्मी चलो हम निकलने लगे हैं, फिर आशीर्वाद दो हैं। मम्मी का आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। हफ्ता, एक हफ्ता? हाँ, हफ्ता दस दिन। अच्छा, ओके जी, डेटा सारा अपलोड हो गया, हार्ड डिस्क डिटैच हो जाए ताकि इंडिया सारा काम लट्टा सारा डेटा टाइम से पहुंच जाए। और सारी शादी वाली हार्ड डिस्क भी मेरे को लेके जानी पड़ रही हैं क्योंकि फाइनल जब ड्राफ्ट बन के आता है तो उसकी एडिटिंग मेरे को ही करनी होती है अपने हिसाब से, ताकि जो हमारी टच है हमारे चैनल की वो मेनटेन रहे। तो इसीलिए काम से छुट्टी पूरी तो नहीं मिलती, तो इसलिए वीडियो अभी फ़िलहाल दोनों चैनल पर ऑल्टरनेट डेज डालेंगे क्योंकि भाई थोड़ा इन्जॉय करना भी तो बनता है ना। Where we are going? Would you like to tell now? Jamaica. Jamaica. दोनों पहले नहीं गए हुए, पहली बार जा रहे हैं। चलो, let's go. तो enjoy करो, खूब enjoy करो। I got a lot of green bills. Oh my god, you're rich, baby. No, I'm not that rich because these are only, see, $100 bill. I got 100 in $1 and 200 in $5 because it's not that expensive. No, you can buy a lot of stuff so that you can make payment, like, you know, $1, $2, $3, give tips and everything. So, yeah, keep it. Smart, thank you. Une chanceuse. Ça va être un beau voyage. Sir, thank you so much, Gigi. Ciao, ciao. Take a good care of yourself. Yes. And you take, too. Both of you look after each other. Mm-hmm. And eat on time, sleep on time. Mm-hmm. And okay. Okay. Okay, Gigi. Bye, bye. See you. Take bye. Care. अभी भी चेक इन करना था तो एक बैग हमारा 23.8 किलो का और एक 16 किलो का, तो उन्होंने स्पेशल 800 ग्राम के चक्कर में भी शिफ्टिंग करवा दी कि 800 ग्राम भी हम फालतू नहीं जानेंगे, आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 800 ग्राम्स यू हैव टू मूव फ्रॉम वन बैग टू अनदर। क्या कर सकते हैं, पॉलिसी अभी है तो है, मगर इतना जनरली एयरलाइन छोड़ देती हैं, बट कुछ नहीं कर सकते।
एयरपोर्ट तो आप पूरा मेरे पीछे देख ही सकते हैं, बिल्कुल ही खाली है। ऑटवा में ऐसे छोटा छोटा एयरपोर्ट समझा जाता है क्योंकि टोरंटो मेन कनेक्शन है ओंटारियो और कनाडा का, जैसे वैंकूवर भी बड़ा एयरपोर्ट है, बट ऑटवा आप समझ लो कि ये चंडीगढ़ है, ये यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक सिटी। I think it is only us who's going to Toronto, or maybe we are too early. We're too early for domestic flights. Ottawa, Toronto, people arrive like not more than an hour before. When I used to travel, arrive 45 minutes before. 45 minutes before? Yeah, because it's a small airport, as I said before. But abji, humne faisla ye kiya ki hum south mein jayenge because it is easy accessible. Hamare passport jo hai, waise Indian embassy ke paas abhi kabhi bhi request aa sakti hai. To mere paas yahi mauka tha ek choti si trip lagane ka before we go to India. Yeah, I mean the small trip that we could make right now. So options were like Bahamas, Mexico, Costa Rica, and Colombia and all such countries. But abhi scene ye hua ki ye kai jagah gayi hui hai. She has already been to Cancun side of Mexico, which was an option. She has been to Costa Rica, she has been to Bahamas, she has been to Colombia. A lot of places. Colombia, har jagah ek, kyunki yahan pe to yahi sari jagahein aisi hai jaise India ke liye Thailand, Dubai hai. To isliye ek hi jagah bachti thi hamare paas, which was something that none of us have ever seen, has a distinctive culture, और वहाँ पे खाना वाना भी बहुत बढ़िया। और इस बार मैं आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ ट्रैवल का, जो मैंने पहले कभी नहीं किया, जिसको ऑल इंक्लूसिव बोलते हैं, जिसके अंदर की खाना, फ्लाइट्स, होटल सब कुछ इंक्लूड होता है। अब इसके अंदर हमने कौन सा हिस्सा लिया है, कौन सा नहीं लिया, वो तो आगे जाके बताते हैं, बट फिलहाल हमारी जो फ़्लाइट है वो टोरंटो की है, क्योंकि हमारी एक्चुअली जमैका की फ़्लाइट मोंटेगो बे, जो शहर है सबसे बड़ा, वहाँ पर जाने वाली कल सुबह की है। सो फॉर नाउ वी आर going to Toronto and we will be staying in a Marriott hotel. Which one? Element, we're trying for the first time. Marriott ki ek nayi property hai ya purani hai ye nahi pata, magar hum kabhi Marriott ki is property mein nahi ruke, to wahan ja rahe hain kyunki ye titanium member hai to hume upgrades milte rehte hain, maine bar bar aap logon ko batayi hai ye baat, to isliye ab bas Toronto ke liye nikalne lage hain. I think hamari flight aagi doll, our flight is here, yeah, WestJet leni hai, sada ja raha hai. हम दोनों को इतनी एक्साइटमेंट उड़ती कि फ्लाइट पे जा रहे हैं, तो पहली फ्लाइट ही से जमैका जा रही होती, बट द थिंग इज वी हैव टू गो टू ऑटवा, ओह टोरंटो फर्स्ट, या आई नो इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू स्लीप टुनाइट, या पाँच घंटे लगते हैं जी गाड़ी में, यहाँ से एक घंटा लगेगा फ्लाइट का, मगर आप ये लगा लोगे थोड़ा एयरपोर्ट पे भी बैठना पड़ता है, और फ्लाइट टाइम तो सिर्फ 45 मिनट्स का है ऑटोवा टोरंटो का, मगर हम फ्लाइट इसलिए लिए हमने ये वाली क्योंकि फिर वहाँ गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, पार्किंग की लफड़ाई, ये सब तो इसलिए यहाँ से फ्लाइट ली, सीधा होटल चेक इन करेंगे, शटल मिलेगी, शटल सुबह वापस एयरपोर्ट पहुँचा देगी, बैग जो है हमारे थैंकफुली हमें वापस मिल जाएंगे, इवन दो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वरना रात को दिक्कत हो जाती। अब बात होगी आपसे आगे पहुँच के टोरंटो। पहुँच गया जी टोरंटो, काफ़ी मॉडर्न हो गया, आप देख रहे हो हर एक जगह पे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ से लोग खाना ऑर्डर कर लेते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बच्चे टाइम पास हो जाता है, वाईफाई इंटरनेट इनके ऊपर होता है, आप चाहें तो अपनी मेल वगैरह चेक कर सकते हैं, सब जगह लगा रखे हैं। मैडम खाना ऑर्डर करने में लगी हैं, और होटल जो है ना अपना बिल्कुल टर्मिनल के साथ ही लगता है, हम टर्मिनल वन की तरफ जा रहे हैं, या तो अंदर है या बिल्कुल दीवार शेयर करता है, और इसलिए ये है कि सुबह बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट सुबह 9:30 बजे की है, 6:30 तक आना पड़ेगा एयरपोर्ट। एक बुरा एक्सपीरियंस के बाद दूसरा, अब मैडम बात कर रही हैं पीछे, हुआ ये है कि हमारी बैगेज आई नहीं, मुझे पता है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट पे हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन पे बैग्स पहुंचते हैं, इसलिए मैं एक हैंड बैगेज अलग पैक करता हूँ, सैंड्रा कहती नहीं ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने उन लोगों से 3 बार कन्फर्म किया जिन्होंने हमें चेक इन किया, और यहाँ आके अब हमने WestJet के स्टाफ को बोला कि हमारा बैग ही नहीं आया, तो भैया क्या होगा उसका, तो कहते हैं ओहो सॉरी, वो जो वहाँ लोग बैठे होते हैं ना वो WestJet के एम्प्लॉई तो नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उनको कई बार पक्का पता नहीं होता। उन्होंने कहा यार हमने 3 बार पूछा था, ये क्या बात होती है कि उनको पता नहीं होता, अब कह रहे हैं कि चलो हम 1 घंटे तक मंगवाते हैं, मगर आपको एयरपोर्ट बैठना पड़ेगा कम से कम 1 घंटा, आप यहाँ से जा नहीं सकते, जबकि हमारा होटल यहाँ से 10 मिनट दूर है, जाके वापस आने को भी नहीं परमिट कर रहे हैं, और सैंड्रा के और मेरे कपड़े और टूथब्रश वगैरह सब कुछ उसी के अंदर है, तो इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं है, और तो कुछ करने को है नहीं, तो हमने सोचा कि यहाँ बैठ के अपना जो है कार ही देख लें, अब हम उसमें पड़ गए हैं
शिशु पंजे में कि गाड़ी रेंट करी जाए कि नहीं, क्योंकि हमने रहना ज़्यादातर एक पर्टिकुलर एरिया में ही है रिजॉर्ट में, बट गाड़ियाँ बहुत महंगी नहीं हैं, $400 में हमें पूरी ट्रिप के लिए गाड़ी मिल रही है, तो इसीलिए डबल माइंडेड हो गया। पर मैं सोच रहा हूँ रख ले, शूटिंग में हेल्प हो सकती है, मगर ये भी नहीं पता कि वहाँ पर शायद कोविड रूल्स के चक्कर में कहीं जगह पर हम नहीं भी जा सकते, बट $400 में मुझे समझ आ नहीं रहा कि ना लें। फाइनली जी तकरीबन 1.5 घंटे बाद दोनों बैग पहुँच गए, बस मैं लेने जा रहा हूँ। होटल हमें यहाँ से दिख रहा है चल के जाने में, मगर क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए हमने सोचा शटल ही ले लेते हैं, 5-7 मिनट में पहुँचा देगी। और टैक्सी अगर लें यहाँ से जो लोकल है उसको तो $20 लगते हैं, शटल फ्री है, ये अपनी नहीं है। हमने फ़ोन किया होटल, वो कह रहे हैं भेज दो, दिस इज़ नॉट आवर्स। फिर भी पूछने जरूर जाएगी क्योंकि शेरटन और मैरियट अब सेम ग्रुप हो गए हैं ना, मगर नाम नहीं लिखा हुआ होटल का तो कैसे हो सकती है। आगे एक और आ रही है, देखो जो भी मिलती है लेके फटाफट निकलें, खाना हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। फाइनली जी आगमन हो गया, खाना हमारा रिसेप्शन पे हमारी वेट कर रहा था, आ गया है, बुरी तो बोल मंगवाए हैं फिलहाल तो, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आता फटाफट खाने के लिए, करते करते लेट हो गए, पहले बैग के चक्कर में, फिर शटल जो है हमारी कंफ्यूज हो गई, लेट कर दिया उसने, अब मेरा जूता उतर गया, सॉरी। अब जरा फटाफट कमरे में चलें और तैयारी करें, वीडियो अपलोड करनी है और फिर सोना है, सुबह सुबह की फ्लाइट है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक सर्विस अपार्टमेंट स्टूडियो की तरह ही है बेसिकली, यहाँ पे ये दो मैट्रेस हैं, ये क्वीन साइज के एंड मतलब डबल जो छोटे वाले होते हैं वो नहीं है, सोफा है जो कि बेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, टीवी लगा हुआ है, छोटी किचनेट भी बनी हुई है, चूल्हा है, इज दिस अ डिशवॉशर, वाह डिशवॉशर लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है पूरा फुल साइज का। तो एलिमेंट ये बेसिकली मैरियट के अंडर नहीं है, ये वेस्टर्न की प्रॉपर्टी, बट अब सब कुछ ही एक ही ग्रुप हो गया है, चाहे वो शेरटन हो चाहे वेस्टर्न हो, सारे ले लिए मैरियट वालों ने, तो जगह तो बहुत बढ़िया है। बाकी अब जरा खाना वाना खा लिया जाए। अब जी काम शाम ने बैठ लिया जाए, बाकी अभी फिलहाल तो आज की वीडियो में यही था, क्योंकि हम पहुंचे ही यहाँ पे, सारा देश में निकल गया, कल से जर्नी शुरू हो जाएगी। जो मैं कहा कि ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।